हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज एक छोटा सा वीडियो लेके फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। और ये वीडियो रहेगा आपका शॉर्ट नोट्स के ऊपर कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, कौन से एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूँ शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है। आपको पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं शॉर्ट नोट्स को कॉपी करते हैं। ठीक है, लाइन टू लाइन लिख लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमने लिख लिया खुद के हैंड से तो वो नोट्स हो गए। ऐसा नहीं होता। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है बहुत सारे कंटेंट को श्रिंक करके एक पेज के ऊपर आपने की पॉइंट्स के साथ लिखना। और की पॉइंट्स या की वर्ड्स भी ऐसे होने चाहिए जिन वर्ड्स को देखने के बाद आपको पूरा कंटेंट, पूरी लाइन याद आ जाए। ठीक है, तो ऐसे होते हैं शॉर्ट नोट्स। तो आज हम किसी भी एग्ज़ाम की बात नहीं करेंगे, अपने एग्ज़ाम की बात करेंगे, थर्ड ग्रेड मेंस की बात करेंगे कि हमारे लिए शॉर्ट नोट्स ज़रूरी हैं या नहीं है, या हमने किस तरीके की बुक खरीदनी है जिस बुक को खरीदने के बाद हमें शॉर्ट नोट्स ना बनाने पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम है और इतने टाइम के अंदर नोट्स बना लेनी चाहिए। नोट्स का मतलब होता है कि जब हम अपनी हैंड से कुछ लिखते हैं ना, तो हमें कोई ना कोई चीज़ एज इट इज़ याद हो ही जाती है। तो हैंड टू हैंड लिखने से या लाइन टू लाइन लिखने से वैसे की वैसे एक कॉपी और तैयार हो जाएगी जिस तरीके की आपके पास पहले से कोई बुक या कोई नोट्स रखे हुए हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना है। हमने किस तरीके से नोट्स बनाने हैं अगर बनाने हैं तो, ठीक है, तो हमें बहुत सारे कंटेंट को थोड़ा सा करके श्रिंक करके किसी पेज पे लिखना है और इतना शॉर्ट करके लिखना है की वर्ड्स और की पॉइंट्स के साथ कि हम लास्ट मिनट उसको वन रीडिंग के अंदर थोड़ी सी देर में कंप्लीट कर पाएं। ठीक है, और उसी के साथ पूरा का पूरा कंटेंट हमें याद आ जाए, इस तरीके से हमें शॉर्ट नोट्स बनानी है। ठीक है, थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे, सभी के नोट्स हम नहीं बना सकते। जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ये जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं इनके नोट्स कभी नहीं बनाए जा सकते। जैसे मैथ्स में तो फिर भी हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं ताकि हमें जो है उस चीज़ के कंसेप्ट से याद रहें कि अगर इस तरीके का सम आता है तो हम किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करें, कौन सा फॉर्मूला उसके अंदर लगेगा और किस फॉर्मूले से जो सम है वो सॉल्व होगा, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन जैसे साइंस हो गया, हिंदी है, इंग्लिश है, ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा एरिया कवर करने वाले सब्जेक्ट हैं और क्वेश्चन सारे पाँच आनी है, हर एक सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन आएंगे जनरल सब्जेक्ट्स के। तो उन चीज़ों के अंदर बहुत सारे कंटेंट को हम शॉर्ट में नहीं लिख सकते, तो उन सब्जेक्ट को जितना आपको आता है, जितने टॉपिक आपको आते हैं ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ बहुत बड़े पोर्शन की। ठीक है, जैसे आपका जीके हो गया और जैसे हो गया साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, इन चीज़ों की बात कर रही हूँ। जैसे शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आप की पॉइंट्स लिख लोगे ना तो आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हैं बनाने अपने शॉर्ट नोट्स। मैं आपको शॉर्ट नोट दिखाऊंगी भी इसी वीडियो के अंदर, मेरे खुद के साइकोलॉजी के जो मैंने प्री में बनाए थे। मैंने मेंस में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए क्योंकि बहुत टाइम था, मैं 7 से 8 महीने थे और मुझे नहीं लगा कि मुझे अलग से पेन कॉपी लेके कुछ लिखना चाहिए या लास्ट मिनट के लिए कुछ रेडी करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं 4 से 5 बार किसी चीज़ को पढ़ लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे नोट्स वगैरह की नीड नहीं रहती। लेकिन प्री में मैंने बनाए थे, साइकोलॉजी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो मुझे मेरे माइंड में जाके ना बहुत ऐसे मिक्स हो जाते थे, मुझे नहीं समझ आता था कौन सा क्या है, तो उस समय मैंने नोट्स बनाए थे। तो वो मेरे पास हैं और वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते आप, तो आप कौन सी बुक ले। ठीक है, तो हमारे थर्ड ग्रेड मेंस के लिए
जो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाई भी थी, मेरे ही चैनल पे है, आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। वन लाइनर बुक जो मैंने बताई थी, मैंने दिखाई थी, मैंने पढ़ी है, मैंने सिर्फ वो ही बुक पढ़ी है और कोई किसी कोचिंग से कोचिंग नहीं ली, ना ही किसी कोचिंग के नोट्स मैंने लिए, ना ही कोई बड़ी बुक ली। ठीक है, बस हमें अपने माइंड को स्टेबल करना है कि मैं इस बुक से जो है पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा, ये बुक मेरे लिए इनफ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पढ़ना, जो आएगा इसी में से आएगा, बस इतना अपने माइंड को समझाना है। जो पूरे मार्केट है या अपने साथी मित्र कोचिंग्स हैं, उनकी ताम झाम में आकर ये नहीं सोचना है कि उसके पास इतना कंटेंट है, मेरे पास कम है, वो मेरे से आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगा, ऐसा नहीं सोचना। वन लाइनर भी बुक होती है, 90% सिलेबस को कवर कर रही होती है। मेरे पास एक बुक गौरव सिंह घणेराव की बुक है, थर्ड ग्रेड मेंस के लिए स्पेशल बुक आई थी वो, और वो अपडेट भी करते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मेंस होगा ना, तो आपको वो अपडेटेड वर्जन उसका मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ली थी वो पिछले साल की थी, अभी वो काम नहीं आएगी क्योंकि चेंजेस हुए हैं राजस्थान जीके के अंदर, तो आप उस बुक को तो मत लेना, लेकिन उन्हीं की बुक लेना आप जब अपडेट आ जाए। ठीक है, तो वो वाली बुक है ना वन लाइनर फॉर्म में है, उसके अंदर नोट्स की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि ऑलरेडी पूरे 10 से 12 पेजेस के टॉपिक को उन्होंने 2 से 3 पेजेस के अंदर समेटा हुआ है और उसके अंदर वही फैक्ट्स हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप वो बुक पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर आपका मन संतुष्ट नहीं है, आप बहुत बड़ी बुक ले रहे हैं, तो आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने का तरीका ऐसा है कि 10 से 15 पेजेस के टॉपिक को आपको 1 पेज के अंदर श्रिंक करना है। ठीक है, फिर ही आपके वो शॉर्ट नोट्स होंगे, फिर ही वो आपको लास्ट मिनट जो है काम आ पाएंगे, अदरवाइज आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर आप बहुत सारे पेजेस में उस टॉपिक को लाइन टू लाइन लिख लेंगे, और अगर ये देखिए, ये प्री में मैंने साइकोलॉजी के नोट्स बनाए थे, जो हमारा है ना, जो बालक की अवस्थाएं बताई गई हैं और हर एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग बताई गई है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो मैंने इस पूरे पेज को इस तरीके से कवर कर लिया था, इसमें इस तरीके से लगा के मैंने लाइंस और हर एक मनोवैज्ञानिक के अलग लिख लिए थे और इसको मैंने बार बार पढ़ा और मेरे को याद हो गए। जैसे यहाँ पे मैंने शेले के लिख रखे हैं, जॉनसन ने कितने बताए, ठीक है, फिर यहाँ पे रोस ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, और फिर हरलोक ने कितनी अवस्थाएं बताई थी। ये सारा हरलोक का वर्गीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हरलोक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, हरलोक के बाद मैंने इन जो है यहाँ पे कोल्सनिक की अवस्थाएं लिखी हैं, हैविंग हस्ट की अवस्थाएं लिखी हैं मैंने, ठीक है, और उसके बाद इन सभी मनोवैज्ञानिकों के अलावा मैंने सामान्य जो वर्गीकरण है, जो जनरली चलता है, पूछ लिया जाता है, वो भी लिखा है। ठीक है, उसके अलावा हरलोक ने जो गर्भावस्था का आगे डिवाइड किया था, गर्भावस्था को 3 भागों में, वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणावस्था और फिर गर्भावस्था। ठीक है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये मैंने पूरा पेज देख लो, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और इसको मैंने यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो ये वाला पार्ट मैंने इस तरीके से लिख लिया। तो यही होते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, कि पॉइंट टू पॉइंट आपने कीवर्ड्स के साथ लिख लेना और उसके साथ आपको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे मिजोडर्म लिखा है, तो आंतरिक अंग और मांसपेशियाँ दो ही शब्द लिखे हैं, इसका मतलब है कि मिजोडर्म में आंतरिक अंग विकसित होते हैं, मांसपेशियाँ विकसित होती हैं। जैसे बाहरी परत के सामने मैंने लिखा है, इसका इंग्लिश नेम एक्टोडर्म, और त्वचा, बाल, दांत और नाखून, ये चीज़ लिखी है, इसका मतलब है जब बाहरी परत का निर्माण होता है तो इन इन चीज़ों को मजबूती मिलती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आंतरिक परत, इसका इंग्लिश नेम एंडोडर्म, और फिर यहाँ पे लिखा है कि आंतरिक परत में कौन कौन सी चीज़ें जो है मजबूती मिलती है, कौन कौन सी चीज़ों को, और कौन कौन सी चीज़ें विकसित होती हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो इसी तरीके से ही आपको बनाने हैं नोट्स, जो आपको लास्ट मिनट कोई टॉपिक ऐसे होते हैं ना, जो ऐसे होते हैं जो उलझन पैदा करते हैं, तो लास्ट मिनट में इस तरीके से आपको वो याद हो जाए। देख लिए होंगे किस तरीके से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और किस तरीके से आप बना सकते हैं, और पूरे सिलेबस के आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत। मैंने जो बुक बताई, अगर आप वो बुक ले लेते हैं तो मत बनाना।
ठीक है, इतना ज़्यादा एफर्ट्स मत करना आप उस बुक को पढ़ लोगे, फिर वो वन लाइनर की फॉर्म में ऐसा लगता है हम शॉर्ट नोट्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप उस बुक को 8 से 10 बार पढ़ना, आप मेंस के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि मैंने भी वही पढ़ी है और मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, ये प्री के नोट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, साइकोलॉजी की है, और जो हमारा टॉपिक है ना बालक की अवस्थाएं, उसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के वर्गीकरण पूछे जाते हैं, शैले के पूछे गए हैं, रोस के पूछ लिए गए हैं, हरलोक के पूछे गए हैं, और हो सकता है आगे फिर आपसे जॉनसन के, कॉल्सनिक के, हैविंगहर्स्ट के पूछ लिए जाएं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, ये जैसे मैंने एक पेज पे बनाए हैं ना सारे नोट्स, सभी के वर्गीकरण मैंने एक पेज पे लिखे हैं, वैसे आप भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। और मैं जो है इस तरीके से वीडियो बनाती रहूँगी, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताती रहूँगी किस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के, घर पे बैठ के आराम से थोड़े से कंटेंट के साथ। थैंक यू।